लिखिए भी। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, और इसका पहला टॉपिक है जिनर डायोड। जिनर डायोड क्या होता है देखिए, इट इज ए स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन डायोड विच इज वर्कड इन रिवर्स बाइसिंग भी। किस पे काम करता है ये? रिवर्स बाइसिंग पे काम करता है, और ये यूज होता है किसी भी सर्किट को स्टेबल वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए। अगर वोल्टेज के अंदर फ्लक्चुएशन होता है तो हम इसको यूज़ करते हैं जिनर डायोड को, जो आउटपुट में क्या देगा मेरे को, एक स्टेबल वोल्टेज देगा भी। ठीक है, इसका सिंबल से बनाते हैं हम लोग। यहाँ से बैंड हुआ होता है, इट इज पी, इट इज एन। ठीक है, इसका मेन पॉइंट है कि इसको वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट की तरह कैसे यूज किया जाता है डायोड को। तो उसके लिए देखिए, इसका वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट कैसे बनाते हैं हम लोग। हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस होता है, साथ में जुड़ा होता है हमारा एक जिनर डायोड। जिनर डायोड जुड़ता है हमेशा रिवर्स बाइसिंग के अंदर। तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, बैटरी का पॉजिटिव, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, बैटरी का नेगेटिव। ये पी होता है, ये एन, और इसके थ्रू लेंगे हम आउटपुट। यहाँ पे पी होगा नीचे, एन, ठीक है, और यहाँ पे लेंगे आउटपुट थ्रू रेजिस्टेंस आर एल, इट इज लोड रेजिस्टेंस। यहाँ से लेते हैं हम आउटपुट, ठीक है, ये रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस मान सकते हो, इट इज आर वी। दिस इज द सर्किट ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। ठीक है, कैसे काम करता है देखिए, अगर वोल्टेज हाई हो जाए, फ्लक्चुएशंस यहाँ पे जो लिखा होता है, इट इज डीसी वोल्टेज जो कि फ्लक्चुएट करती है। ठीक है, मान लेते वोल्टेज हाई हो गया तो रिवर्स वोल्टेज बढ़ जाएगा। रिवर्स वोल्टेज बढ़ने से क्या होगा, इसका डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो जाएगा अभी, यानी वोल्टेज किसको क्रॉस कर जाएगी, इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस कर जाएगी, जिससे लेयर ब्रेक हो जाएगा और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। ठीक है, तो इस पूरे सर्किट के अंदर करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा अभी, तो रेजिस्टेंस आर के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो एक्सेस वोल्टेज हुआ है सारा कहां चला जाएगा, रेजिस्टेंस आर के पास, और इस डिवाइस को जो आउटपुट है उसको क्या मिलेगा, इसका वोल्टेज मिलेगा जो कि स्टेबल रहेगा अभी। ठीक है, ये था अगर वोल्टेज हाई हो तो क्या होगा, अगर वोल्टेज लो हो जाए तो क्या होगा, पूरे सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस आर में से भी क्या होगा, ड्रॉप कम हो जाएगा, यानी अपना ड्रॉप किसको दे देगा, ये इसको दे देगा, और इसको क्या मिलेगा, फिर आउटपुट में अगेन वी ऑब्टेंड ए स्टेबल वोल्टेज। ठीक है, इसका लिखिए पहला पॉइंट लिखते हैं इसमें, व्हेन इनपुट वोल्टेज इंक्रीज देन करंट इन द सर्किट इज ऑल्सो इंक्रीज, करंट इन द सर्किट इज ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ डिप्लीशन लेयर भी, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ डिप्लीशन लेयर एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर इज ऑल्सो इंक्रीज एंड वी ऑब्टेंड ए स्टेबल या कॉन्स्टेंट वोल्टेज थ्रू द डायोड। ओके, सेकेंड इसमें है कि वोल्टेज कम हो तो क्या होगा, लिख लीजिए, वैन इनपुट वोल्टेज इज डिक्रीज then current in the circuit is also decrease, then voltage drop across R is also decrease and we obtained again the constant voltage through the diode and we obtained a stable or constant voltage for the output V. This is the working of a Zener diode. Next application है photo diode, PN junction diode ही होता है, ठीक है, लेकिन स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। लिख लीजिए क्या होता है ये, लिखिए, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन कन्वर्ट लाइट एनर्जी, विच कैन कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, आगे लिखिए, इट इज स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन डायोड वर्कड ऑन, विच इज वर्कड ऑन रिवर्स बाइसिंग वे।
विच इज वर्कड ऑन रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। ये भी देखिए भाई, इसमें क्या होता है इस डिवाइस के अंदर, हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है। देखिए जब बोलते हैं ना हाई स्पेशल डिजाइन किया गया, तो उसके डोपिंग में फर्क करते हैं भी, हाई डोप करते हैं उसको, ठीक है। तो ये क्या है आपका जंक्शन लेयर, ये पी है, ये क्या है एन टाइप, एक लेयर बनता है भाई, यस और नो, क्या नाम है डिप्लीशन लेयर। अब क्या करते हैं देखिए, इसको जोड़ते हैं रिवर्स बाइसिंग के साथ, रिवर्स बाइसिंग में इस तरीके से जोड़ा जाता है कि जो वोल्टेज है भाई, जो ये वोल्टेज हम सेट करेंगे यहाँ पे, ये वोल्टेज सेट करते हैं जस्ट बिफोर ब्रेकडाउन वोल्टेज भी, जस्ट बिफोर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन नहीं करवाना उससे थोड़ा सा पहले भी, इक्वल भी नहीं करना, थोड़ा सा पहले भी। अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज 2 वोल्ट पे हो रहा है तो 1.5, 1.6, 1.7 इस तरीके से भी कर पाओगे। अब क्या हो गया, लेयर क्या होगी, मैक्सिमम क्या हो चुकी है, साइज इसका बढ़ चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस जंक्शन लेयर के ऊपर भी ये जो लेयर यहाँ पे बनी हुई है, लाइट डाली जाएगी भी, और लाइट की हीट से क्या होगा, इसके कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे भी, ठीक है। क्या टूटेंगे इसके कोवलेंट बॉन्ड, जो कॉम्बिनेशन हो चुका है इलेक्ट्रॉन होल्स का, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटने से क्या होगा, चार्ज फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या हो जाएंगे, फ्री। फ्री होने से क्या होगा, थोड़ा सा करंट बढ़ जाएगा सर्किट के अंदर, करंट बढ़ने से क्या होगा, थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ जाएगी, यस आर नो। वोल्टेज बढ़ते ही किसको अचीव कर लेगी ये, इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज को कर लोगे, उस टाइम क्या हो जाएगा आपकी जंक्शन टूट जाएगा, और लार्ज अमाउंट में क्या हो जाएगा, करंट फ्लो कर जाएगा भी, कर पाओगे। अब ये बोलते हैं जो लाइट गिर रही है इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है, इट इज कॉल्ड लाइट एमिटिंग डायोड्स भी, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, फोटो डायोड भी, सिंपल है, हो जाएगा। तो इसका सिंबल बनाइएगा अभी, यहाँ पे इसका सिंबल्स ये है, डायग्राम बनाओ, सिंबल ये बनाते हैं इसका, बुक में आपके ऐसा दे रखा है, एक्चुअल में इसका सिंबल ऐसे बनाया जाता है, ये लगा के ऐसा कुछ, ये दिखाते हैं लाइट आ रही है, दिस इज सिंबल ऑफ फोटो डायोड, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं, लिखो इसको, लिखिए फोटो डायोड, फोटो डायोड इज कनेक्टेड, फोटो डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, फोटो डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस एंड रिवर्स वोल्टेज इज सेट अप, रिवर्स वोल्टेज इज सेट अप जस्ट बिफोर द ब्रेकडाउन वोल्टेज, जस्ट बिफोर द ब्रेकडाउन वोल्टेज, जस्ट बिफोर द ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये सेट करते हैं इस वोल्टेज से जस्ट बिफोर, थोड़ा सा पहले करते हैं इसको, ओके। आगे लिखिए, व्हेन लाइट फॉल ऑन द डिप्लीशन लेयर इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन इज ब्रेक्ड, इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन इज ब्रेक्ड एंड चार्ज आर फ्री टू मूव सो करंट एंड वोल्टेज आर इंक्रीज एंड इट क्रॉस द ब्रेकडाउन वोल्टेज भी, इट क्रॉस द ब्रेकडाउन वोल्टेज, ओके, एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन द सर्किट भी। इसका अगर डायग्राम बनाएं कैरेक्टरिस्टिक्स का, ये करंट होगा क्योंकि रिवर्स में है ना, ये वोल्टेज होगी, तो ऐसा बनता भी।
देखो हर एक इंटेंसिटी के लिए अलग वैल्यू हो सकती है करंट की भी। ये इंटेंसिटी आई वन है, यहाँ पे इंटेंसिटी आई टू, तो आई टू की वैल्यू ज़्यादा है आई वन से। ये आई वन आई टू क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्पीड। अपने पढ़ा हुआ है इंटेंसिटी के अंदर क्या करता है, इंटेंसिटी क्या करती है, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देती है। यस और नो? जितने लाइट फोटोन्स पड़ेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे और उतना ही चार्ज बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा अभी। यस और नो? तो दिस इज द डायग्राम, लाइट एमिटिंग डायोड्स भी, इसको एलईडी बोलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट टॉपिक है लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी, नेक्स्ट एप्लीकेशन लिख लीजिए। क्या करता है डिवाइस, लिखिए इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी। सही है, किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी के अंदर भी। आगे लिखिए इट इज स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन डायोड, इट इज स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन डायोड विच इज हाईली डोप्ड डीओपीडी विच इज हाईली डोप्ड कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बाइसिंग। किस में जुड़ता है ये, फॉरवर्ड में जुड़ता है। कर लोगे? इसका सिंबल कैसे बनाती है बुक, आपकी बुक कैसे बनाती है इसका सिंबल, ये सिंपल बनाती है ऐसे। हम इसको थोड़ा सा दिखाते हैं, बड़ी अच्छी बुक्स में फोन जो फोन राइटर की बुक में उसमें ऐसा लिखा होता है। ठीक है, ये जोड़ते हैं पॉजिटिव से, ये जहाँ जोड़ते हैं नेगेटिव से, और ये जहाँ से निकलता है लाइट भी। देखो ऐसे लगता है फोटो डायोड से उल्टा हुए, उल्टा ही होता है। वहाँ पे लाइट डलने से करंट बन रहा था, यहाँ पे करंट से क्या बना रहे हैं, लाइट बना रहे हैं। ठीक है, इसका सिंबल है ये, बनाइए। और दूसरी बात, इसको जोड़ते कैसे हैं अभी, इसका जो है ना पी टाइप का लेयर एन टाइप के लेयर से थोड़ा पतला होता है, क्योंकि डिजाइन ऐसे किया गया है, इसको खास तरीके से डिजाइन किया गया है। तो लिख लीजिए थोड़ा सा और आगे, डायग्राम बना लिया अभी, लिखो भाई। अपर लेयर ऑफ एलईडी इज पी टाइप, अपर लेयर ऑफ एलईडी इज पी टाइप विच इज थिन एज कंपेयर टू एन टाइप, विच इज थिन एज कंपेयर टू एन टाइप। ओके, देखो इसको ऐसे बनाते हैं हम लोग, ये आपका एन टाइप का है भाई, और ये है आपका पी टाइप। ये एन है, ये पी है, ये क्या है एन। पी कहाँ पर जुड़ेगा, फॉरवर्ड बायसिंग में, ठीक है ना, एन रिवर्स बायसिंग में। अब देखिए क्या होगा भाई, पी टाइप एन टाइप, मेजोरिटी होल्स की है, मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स की एन टाइप में, तो क्रॉस करेंगे जंक्शंस को, क्रॉस करना मतलब आपस में क्या होना, कंबाइन भी होना। यस और नो? अब कंबाइन का मतलब क्या है क्लास, देखिए अगर लेयर के अंदर कंबाइंड हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन होल्स मिल गए, इसका मीनिंग क्या है। देखो दो हैं आपके पास, एक तो आपके पास कौन सा था, वैलेंस बैंड, एक कौन सा है, कंडक्शन बैंड। यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, ये जम मार गया कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रिएट होल हो गया, यहाँ पे क्या चला गया, इलेक्ट्रॉन। अब ये कंबाइन होना मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ पे चला जाए, होल के अंदर भी, इसे बोलते हैं कम्बिनेशन, डिफ्यूजन होना इसी से बोलते हैं। क्या सर ना, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, वापस होल में, तो क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया सिस्टम। वापस कब आएगा, तो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा भाई। यस और नो? किस फॉर्म में करेगा, रेडिएशन के फॉर्म में करेगा भाई। और रेडिएशन कौन सी होंगी, लाइट रेडिएशन होंगी। तो यहाँ से क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी।
सिंपल टॉपिक है बिल्कुल, कुछ भी अलग नहीं है। जब भी आपको लाइट निकालनी हो ना तो क्या कर दो, डिसेक्टेशन कर दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। अभी इससे बैटरी से एनर्जी मिली, इसको इलेक्ट्रॉन को जम मार गया कहाँ पे, हाई एनर्जीज के अंदर, यस और नो? और वापस आएगा तो क्या बोलते हैं इसको, इट इज रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स भी। पहले तो हो चुका था, दोबारा कर रहे हैं, रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। इससे क्या होगा, एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा इन टर्म ऑफ रेडिएशन। एक्चुअल में क्या ये डी एक्साइटेशन अभी कर लोगे। और हर एनर्जी जो लाइट निकलता है ना, हर ईएम वेव निकलता है, किससे निकलता है, हमेशा डी एक्साइटेशन से ही निकलता है। अभी कर पाओगे, ये डायग्राम बनाइएगा। ड्यू टू फॉरवर्ड बाइसिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन टाइप एंड होल्स ऑफ पी टाइप आर रिकम्बाइंड। रिकम्बाइंड मतलब कहाँ पे चले जा रहे हैं, अभी लेयर में जा रहे हैं। रिकम्बाइंड एंड एनर्जी इज रिलीज ड्यू टू रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स किस वजह से होता है सारा काम, ये इलेक्ट्रॉन और होल्स के रिकम्बिनेशन से होता है। अभी तो यहाँ से एनर्जी की फॉर्म कौन सी होती है, रेडिएशंस फॉर्म में निकलता है, लाइट की फॉर्म में निकलता है। अभी अब अपन लोगों ने कई एलईडी देखे भी होंगे जो एक साथ कई तरह की लाइट निकाल लेते हैं, एक नहीं है, लोग सिर्फ व्हाइट निकालेंगे, कई तरह की लाइट निकालते हैं, कभी रेड हो जाएगा वही, कभी ब्लू हो जाएगा, कभी ग्रीन हो जाएगा, या सर नो। तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डोपिंग किसकी की आप लोगों ने। कर लोगे, मैं उसको एग्जांपल लिखवा रहा हूँ आपको, लिख लीजिए। व्हेन वी डोप्ड, पहला गैलियम आर्सेनाइड इट गिव, क्या देता है ये, इन्फ्रा रेड रेडिएशन। इन्फ्रा रेड रेडिएशन कौन से होती हैं, जो आपके रिमोट से निकलती हैं, जो रेडिएशंस में वो कौन सी है, इन्फ्रा रेड रेडिएशन, विजिबल नहीं होती भी वो। अगर आप रिमोट के एलईडीज को देखो, एलईडी देखा होता है रिमोट के ऊपर, यहाँ पे उसको कैमरे में ऑन करके देखो ना, तो सस्ता दिखाई देगा आपको एलईडी, आपका रिमोट काम कर रहा है या सर ना, वैसे ही दिखाई नहीं, क्योंकि ये विजिबल रीजन में लाई नहीं करते भी। कर लोगे, तो ये जो अगर डोपिंग करो कौन से देगा, ये इन्फ्रारेड रेडिएशंस देगा अभी। दूसरा देखिए, सेकंड अगर हम डोपिंग करते हैं किसकी, गैलियम फोस्फाइड की डोपिंग करते हैं। अब डोपिंग आइटम एक नहीं है, कई तरह के डाल रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर डोपिंग करते हैं गैलियम फोस्फाइड की, ये देगा आपको रेड और ग्रीन लाइट। ओके, किसकी, गैलियम फोस्फाइड की। तीनों को कर दे तो लिख लीजिए, थर्ड गैलियम आर्सेनाइड फोस्फाइड, तीनों तो क्या देगा आपको, ये रेड और येलो लाइट। तो एलईडीज आपको किस तरह का रंग देगा वो डिपेंड किस पे करेगा, इसके डोपिंग एटम्स के ऊपर पे। कर लोगे, सोलर सेल भी ये चल रहा है आजकल भी ठीक है। लिखिए, नेक्स्ट एप्लीकेशन है सोलर सेल, क्या होता है लिखिएगा। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन कन्वर्ट लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसमें करता कन्वर्ट, ये लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी
आगे लिखिए, सिंपल है भाई, इट इज ए स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन डायोड भी, इट इज ए स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन डायोड इन विच पी लेयर इज थिन, इन विच पी लेयर इज थिन एज कंपेयर टू एन लेयर्स या एन टाइप, एज कंपेयर टू एन टाइप। पी टाइप क्या होता है? थिन होता है एज कंपेयर टू पी टाइप। यस और नो? एंड इट हैव ए ग्लास टॉप, इट हैव ए ग्लास टॉप ऑन पी टाइप। पी टाइप पे क्या होता है? ग्लास टॉप होती है, ग्लास लगा होता है उसके ऊपर में, ग्लास टॉप ऑन पी टाइप ग्लास। ये आपकी एन टाइप है भाई, और ये बिल्कुल पतला सा आपका क्या है? पी टाइप, ठीक है। और इसके ऊपर ग्लास की प्लेट रख रखी है भाई, टॉप पे क्या है? ग्लास प्लेट। ठीक है भाई, और यहां से क्या किया गया है? वायरिंग निकाली गई है बार बार। ये आउटपुट लेने के लिए हमने जोड़ रखा है एक रेजिस्टेंस पे, यहां से लेते हैं आउटपुट। ठीक है भाई, देखो इसमें कई बैटरी जोड़ रखी हम लोगों ने, फोटोडायोड में इसमें ये खासियत है, उसकी बैटरी जोड़ो फिर फिक्स करो फिर करंट डालो फिर करंट निकलता है, इसमें कोई बैटरी नहीं है, कर लोगे। अब क्या होगा, देखिए लाइट डलेगी इसके ऊपर भी, क्योंकि पी टाइप बिल्कुल पतला है तो लाइट डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएगी? डिप्लीशन लेयर पर पहुँच जाएगी, लेयर ही होती बस पी टाइप की, तो कर लोगे। लाइट कहाँ पहुँच जाएगी? जाके डिप्लीशन लेयर के अंदर, गर्मी बनती है इस ग्लास टॉप की वजह से भी, और लाइट की एनर्जी कहाँ पहुँच जाएगी? आपकी डिप्लीशन लेयर के ऊपर भी। यस सर नो? और डिप्लीशन लेयर में से क्या होगा? ब्रेक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन होल्स क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे चलने के लिए। यस सर नो? लेकिन जाएंगे कहाँ पे? बाहर से पोटेंशियल लगाएंगे रखा उन्होंने कुछ। यस सर नो? तो कहाँ पहुँच जाएंगे? होल कहाँ चले जाएंगे? पी टाइप के पास चले जाएंगे, उनकी मेजोरिटी वहीं पे है। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? एन टाइप के पास चले जाएंगे, उनकी मेजोरिटी कहाँ पे है? वहीं पे है। यस सर नो? जब ये कॉम्बिनेशन टूटेगा अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन और होल्स का, तो यहाँ पे एक नेगेटिव पहुँच जाएंगे, सॉरी पॉजिटिव पहुँच जाएंगे पी टाइप वालों के पास, और इसके पास कौन चले जाएगा? नेगेटिव्स भी। जितने लाइट डालोगे उतने चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे भी, पॉजिटिव और नेगेटिव्स भी। तो यानी दो पॉइंटों के बीच में क्या सेटअप हो गया? पोटेंशियल सेटअप हो गया भाई। यस और नो? डिफरेंस भी है, तो ऐसे मेरे को क्या मिल जाएगा? करंट मिल जाएगा उस टाइम भी। लाइट डालेंगे, लाइट कहाँ पहुँच जाएगी? डिप्लीशन लेयर पर पहुँच जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन और होल्स का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, जिससे पी टाइप और एन टाइप के पास चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे। यस और नो? उन चार्जों को वायर के थ्रू बाहर निकाला जाएगा, तो यानी वायरों में क्या बन चुका है? पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो चुका है। यस और नो? जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो क्या निकलता है? करंट निकलता है, तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को? करंट मिलेगा। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा? नेगेटिव। यहाँ से क्या मिलेगी मेरे को? आउटपुट। तो दिस इज डायग्राम ऑफ सोलर सेल, इसका सिंबल भी बना लीजिए। यहाँ से क्या है? लाइट। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या बन जाता है? नेगेटिव। दिस इज द सिंबल ऑफ सोलर सेल। बनाओ एक बार, उसके बाद करते हैं। इसमें भी व्हेन लाइट फॉल ऑन द ग्लास प्लेट इट रीच टू द डिप्लीशन लेयर। क्योंकि पी का साइज छोटा होता, बिल्कुल लेयर ही होती है पी टाइप की, तो फोरम रखा है आप लोगों ने, सीधी बोल सकते हैं। ठीक है, रीच टू डिप्लीशन लेयर एंड इट ब्रेक द इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन भी। इट ब्रेक द इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर कलेक्ट ऑन पी टाइप एंड एन टाइप। सही है? एंड वी ऑब्टेन्ड ए पोटेंशियल डिफरेंस
we obtained a potential difference on p type and n type. p type and a n type हो जाएगा. अब पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल भी हो सकता है, करंट फ्लो करेगा, पक्की बात है भाई. यस और नो? सो वी टेक आउटपुट थ्रो लोड रेजिस्टेंस. वैल्यू बहुत कम होती है भाई, देख लीजिए. इट हैव वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट. सिंपल लिखते हैं, इट हैव वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट. सो वी कनेक्ट लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल. वी कनेक्ट लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद सिल्वर वायर. It is called solar panel. क्या बोलते